हेलो एवरीवन, आज बनाते हैं बरीटो बॉल। तो बरीटो बॉल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए चावल लिए हैं। अब इस पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसमें हम डाल देंगे क्रश करके ब्लैक पेपर। अगर आपके पास क्रशर नहीं है तो आप इसको खलमूसल में हल्का सा कूट कर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बना लिया है गुआकामोले। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एवोकाडो का गुआकामोले मैंने बनाया है। और ये है, यहाँ पर मैंने कॉर्न और टमाटर का सैलड बना लिया है। इसमें मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाले हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर थोड़े से टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से कैप्सिकम और अनियन को सॉटे कर लिया है। जस्ट इसी में जो ऑयल है थोड़ा बहुत, अदरवाइज इस रेसिपी में कहीं पे भी ऑयल नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्लैक बीन्स को भी मैंने थोड़े से उबाल लिए हैं। अगर आपके पास ब्लैक बीन्स नहीं हो तो इसके जगह आप राजमा को भी उबाल कर ले सकते हैं। मैंने बना कर खाया था, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप थाली लगाते हैं, थाली में यहाँ पर मैंने ले लिए चावल, उसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं ब्लैक बीन्स है। ये बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको बिल्कुल गर्म घी तेल खाना है तो इसके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा रेसिपी है। इसमें यहाँ पर मैंने कहीं पे भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो इसको बॉल में भी लेकर के खा सकते हैं, पर मैंने इसमें इसको यहाँ पर थाली में लगा करके तैयार किया है। ये एक मैक्सिकन रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा कॉर्न और जो टमाटर का सैलड बनाया था उसको भी इसके ऊपर डाल दिया। अब आपको ज़रूर ये पसंद आएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर। तो यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है इसमें सौते किए हुए प्याज और शिमला मिर्च, जिसको हमने थोड़ा सा पका लिया था। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नींबू, और ये मैंने ग्रीन वाली नींबू लिए हैं। बस 4-5 ड्रॉप आप इस पर डाल दीजिए, नींबू की 4-5 बूंदे। और अब हम इसमें थोड़े से और ब्लैक पेपर डालेंगे सारी चीज़ों के ऊपर। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से टमाटर, जो हमने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती रखी थी वो। तो आप हरी मिर्च, टमाटर, धनिया पत्ती, जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। इसको मैंने बिल्कुल इंडियन बना दिया है इस रेसिपी को, और ट्रस्ट में ये बहुत ही टेस्टी लगा था खाने में। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे गुआकामोले। अगर आपके पास स्कूप है तो आप 2-3 स्कूप डाल लीजिए। और यहाँ पर मैंने ले लिए थोड़े से चिप्स, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ले लीजिए, वरना हमारी थाली बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और आप इसको घर पर बनाइए और खाइए, आप बहुत ही पसंद करेंगे इस रेसिपी को। तो मुझे सुनने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आप शुक्रिया, धन्यवाद इस रेसिपी को।